अगली बड़ी खबर आपको बताते चले, संगठन चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी की बैठक थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय में मीटिंग होगी। जेपी नड्डा करेंगे बैठक की अध्यक्षता, प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री बैठक में भाग लेंगे, राज्य प्रभारी सह प्रभारी बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, संगठन चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी की मीटिंग थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय में बैठक होगी। जेपी नड्डा करेंगे बैठक की अध्यक्षता, प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री बैठक में भाग लेंगे, साथ ही राज्य प्रभारी सह प्रभारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ गौरव हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, संगठन चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग करने जा रही है, इस बैठक को लेकर क्या अपडेट है, कितने देर में बैठक की शुरुआत होने वाली है? देखिए बिल्कुल, संगठन चुनाव की जो एक प्रक्रिया है उसको किस तरीके से संपन्न कराना है, और जाहिर सी बात है काफ़ी लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की जो तैयारी है वो चल रही है, और तमाम जो नए पदाधिकारी जुड़े हैं कुछ पुराने हैं, तो ऐसे में सभी को आमंत्रित किया गया है। सभी राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इसमें मौजूद हैं, संगठन मंत्री हैं वो इसमें मौजूद हैं, और लगातार जिस तरीके से अगर लोगों के आने के क्रम की बात करें तो लगभग सभी जो पदाधिकारी हैं वो बीजेपी विस्तार कार्यालय के अंदर पहुंच चुके हैं। और अब से थोड़ी ही देर बाद अगर हम बात करें, इस बैठक की शुरुआत भी हो जाएगी और बैठक की अध्यक्षता जो है वो जेपी नड्डा करेंगे। और जाहिर सी बात है इस पूरे बैठक में दो महत्वपूर्ण विषय होंगे। एक, जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान की जो शुरुआत हुई थी उसमें राज्यभर किस तरीके से लोगों ने कितने कितने सदस्य बनाए हैं और किस तरीके का राज्यों का जो रिपोर्ट रहा है सदस्यता अभियान को लेकर के वो कितना असरदार रहा है। हालांकि जानकारी के मुताबिक जो मोटा मोटी जो आंकड़े निकल करके सामने आए हैं उसमें उत्तर प्रदेश में तकरीबन 2 करोड़ जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इस सदस्यता अभियान के साथ जुड़े हैं, यानी कि सबसे बड़ा जो आंकड़ा है वो उत्तर प्रदेश का है। इसी बीच अगर हम बात करें इस पर भी चर्चा की जाएगी, और इसके अलावा जो संगठन के चुनाव होंगे खास करके उसमें किस तरीके की प्रक्रिया का पालन करना है, और इस पूरे खास करके भारतीय जनता पार्टी के अगर हम संविधान को देखें तो ये एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को लेकर के आज एक बड़ी बैठक की जा रही है जिसमें संगठन के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं, प्रदेश के अलग अलग जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करें संगठन मंत्रियों की तो उनको भी इसमें आमंत्रित किया गया है। हालांकि 12 बजे का समय बताया जा रहा था इस बैठक की शुरुआत का, और 12 बज चुके हैं, यानी कि अब से थोड़ी ही देर बाद जो बैठक है वो भी शुरू हो जाएगी। हालांकि 1:30 बजे की एक ब्रीफिंग जरूर रखी गई है, उसमें भी जो जानकारी है वो दी जाएगी। और इस बैठक की अगर मैं बात करूं तो ये बैठक लंबा चलेगा, यानी तकरीबन शाम के 4 बजे तक ये बैठक चलेगी, और इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है उसमें खास करके प्रशिक्षण की अगर हम बात करें तो संगठन के चुनाव होंगे उसमें उसके बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे नए भी लोग पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, पुराने लोग भी हैं इसमें, और अलग अलग राज्यों के जो अलग अलग चुनाव के जो प्रभारी बनाए गए हैं वो भी इस पूरे बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। तो एक लंबी ये प्रक्रिया है, और इस पूरी प्रक्रिया को किस तरीके से आगे लेकर के चलना है उसकी तमाम विषयों के बारे में भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा हैं वो इसके बारे में लोगों को ब्रीफ करेंगे। हाँ बिल्कुल, और देखिए राज्य इकाई और अध्यक्षों के लिए चुनाव कब तक हो जाएंगे, इस बैठक में और किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस होगा, क्योंकि जाहिर तौर पर कई राज्यों में झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। देखिए बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही खास करके चुनावी पर्व यानी चुनावी मूड में रहती है, और उसको लेकर के भी समय समय पर जो बैठकें हैं वो आहूत होती रहती हैं। ये जो बैठक है ये संगठन खास करके चुनाव को लेकर के ये बैठक है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है उसको उसके तहत लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जो राज्य हैं जहाँ पर चुनाव होने हैं उस पर भी जरूर एक हल्की फुल्की जो चर्चा है वो की जाएगी। खास करके अगर हम देखें जिस तरीके से अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, झारखंड की बात करें, तो निश्चित तौर पर जो कैंडिडेटों के नाम थे वो अब निकल करके सामने आ चुके हैं, लिस्ट भी जारी कर दी गई है, तो निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल जो पूरा फोकस है वो इसी पे रहने वाला है कि किस तरीके से जो खास करके जो सदस्यता अभियान चला है उसका कितना रिस्पॉन्स किन किन राज्यों से निकल करके आया है, उसकी जो रिपोर्ट है उस पर भी चर्चा की जाएगी, उस पर भी समीक्षा की जाएगी। और इसके अलावा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये पूरा चुनाव होता है, बीजेपी के संविधान को अगर हम देखें तो ये एक रवायत रही है शुरू से, और उसी को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए मंडल, जिला और फिर राज्य अध्यक्षों से शुरू होकर राज्य स्तर के नेताओं पर भी इसमें किस तरह से चुनाव को लेकर तैयारियां की जानी है इसी पे लेकर भी चर्चा होने वाली है। एक ये भी जानकारी सामने आ रही है, यानी कि टॉप टू बॉटम किस तरह की तैयारियां बीजेपी अपने सरकार में कर रही है और जमीनी स्तर पर कर रही है, इन सब बिंदुओं पर फोकस होने वाला है। गौरव,
बिल्कुल, देखिए पहले ब्लॉक स्तर होता है, मंडल स्तर, जिला स्तर, इस तरीके का एक पूरा जो एक ये चुनावी एक प्रक्रिया है, खास करके भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान उनका है, तो इसको एकदम फॉलो करते हुए उसके बाद राष्ट्रीय स्तर का चुनाव आता है। तो अब कहीं ना कहीं सभी नियमों को का पालन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर जो ये चुनाव होने जा रहा है उसमें संगठन अधिकारी की भी देखिए इसमें नियुक्ति की गई है। ओबीसी मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं के लक्ष्मण, उनको चुनाव अधिकारी इसमें बनाया गया है, उनके साथ में सह अधिकारी जो है संबित पात्रा, रेखा वर्मा को बनाया गया। तो ये तमाम बड़े नाम हैं और निश्चित तौर पे ये जो तैयारियां पूरी हो गई उसके बाद से आज जो ये बैठक आहूत की गई है, इस बैठक के अंदर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, नजर बनाए रखे आप।